नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कौन सा टॉपिक लेके आए सर। दोस्तों आज बोर्ड पे नहीं करेंगे, आज बस ऐसे मिलने की इच्छा हुई तो मैं आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल 5 साल बाद चुनाव होते हैं और चुनाव में नई सरकार आती है और हम लोग फिर एक उम्मीद में रहते हैं कि आज कुछ शायद ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। दोस्तों हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं, हम और आप सब विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या रहता है, ये लोग हर साल बिल्कुल बना जाते हैं, हम लोग बन जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप इस जो वीडियो आप लोग के सामने है इसको इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हमारी सरकार तक ये बात पहुंचना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसका परिणाम निकलता है कि वैकेंसी नहीं आती है। पिछले 1.5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। नोटिफिकेशन आया था एमपी पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, 21 जून 2018 को नोटिफिकेशन के माध्यम से कि परीक्षा जो है हमारी घोषित होने वाली है, तारीख की परीक्षा वाली वो जल्द आएगी। दोस्तों वो नोटिफिकेशन निकल गया, फिर आगे हम लोग सुनते जा रहे हैं सितंबर का था, ये यहाँ पे निकल चुका है, फिर आगे अक्टूबर का सुन रहे हैं, तो आखिर क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी अपील है, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी से कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्यापक उन्होंने हटा दिया है, पुलिस विभाग के द्वारा भर्ती ला रहे हैं, तो क्यों जल्द से जल्द नहीं लाई जा रही है भर्ती। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, हम छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें। और मेरा लक्ष्य क्लासेस इस माध्यम से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ सभी दोस्तों से, सभी कोचिंग वाले जितने भी शिक्षक गण है, जितने विद्यार्थी, हाथ जोड़ के अपील है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार तक पहुंचना चाहिए कि अगर एक छात्र चाहे तो सरकार बदल भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। ठीक है, हम हमारे साथ एक विद्यार्थी है, महेंद्र सिंह नाम है उनका, मैं उनको यह बुलाना चाहता हूँ जिनका सबसे ज्यादा प्रश्न ये था कि सर आगे वैकेंसी कब आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो वो भी आपके सामने अपने विचार रखना चाहते हैं और उसको सुनिए दोस्तों, और थोड़ा उत्साह बढ़ाइए और जो भी आपके सामने वीडियोस आते हैं हमारे कोचिंग के माध्यम से, हमारी क्लासेस के माध्यम से, उसका थोड़ा सहयोग कि हम विद्यार्थियों के साथ, हम छात्रों के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोशिश देखो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, वो मेहनत का हमें परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या काम किए मेहनत। उससे अच्छा तो हमें झूठे दिलासे ना दिए जाए और छोड़ दे हमारे हाथ में, हमें नहीं चाहिए किसी सरकार को, चाहिए तो वो सरकार चाहिए जो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।